I wish, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, I wish I could stay longer here, but honestly, I always say one thing, कि वाइस चांसलर रईस जामिया भी होता है और मस्कीन जामिया भी होता है. I wish I could stay here, look at the young people and the guest, my respectable guest around, which gives me strength. सबसे पहले तो मैं जफर गुरदास साहब का, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को हेल्प रखी और अपने पोस्टिंग के बाद पहला जो ट्रैफिक अवेयरनेस का सेमिनार है वो तो हमारे इंस्टीट्यूट में रखा. मेरा ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन कमेटी एक अहम मुकाम है. ये पिछले आरटीओ साहब से उन्होंने एक बनाई थी तो फाजल तबूरी साहब वो फिर ट्रांसफर हो गए और उसके बाद ये डेवलपमेंट हो गई. ये साल गुरुद्वारा साहब को जाता है कि उन्होंने दोबारा उसको रीएक्टिवेट किया और जिस कमेटी कमेटी में सिर्फ मैं शामिल नहीं हूँ बल्कि डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग जो है उसमें शामिल हैं और अपना इनपुट देते हैं. और सबसे अच्छी बात मैंने जो डॉक्टर गुरुद्वारा साहब की देखी है, मैं क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हूँ कि उसके ऊपर मैं बताया मुझे बड़ी खुशी हुई. आजम साहब ने जब हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट शुरू की कि सेमिनार जो है वो हमारे यूनिवर्सिटी से ही इसका आगाज किया जाए. तो मैंने इनकी दावत पर हमें कर ली कि हमारी अवेयरनेस कैंपेन है जो एजुकेशन का सिलसिला है वो हम इनके मुख्य इदारे से शुरू करने जा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच सर. बेसिकली हमारा जो बुनियादी नुकता है अवेयरनेस का, ट्रैफिक थ्री ईज प्रमोशनल होती है. थ्री ईज, फर्स्ट है एजुकेशन, द सेकंड वन इज इंजीनियरिंग एंड थर्ड वन इज एनफोर्समेंट. अनलिकली बदकिस्मती से हम एनफोर्समेंट से इसको शुरू कर रहे हैं. यदि जिसने वायलेशन की उसका चालान हो जाए तो ये इंपोर्टमेंट है. तो जब तक हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, ट्रैफिक अवेयरनेस का निजाम एक्टिव नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप चालान करते रहेंगे, वो जुर्माने करते जाएंगे, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा. मेरा जो अपना बुनियादी मेरी थीम है, इसी थीम को आगे लेकर मैं चल रहा हूँ कि हम लोगों तक पहुंचे, उनके दलील पर दस्तक दें और उनको उनके फायदे की बात बताई जाए. जो हेलमेट की कैंपेन है बेसिकली जिसको हम बता रहे हैं, जिसको हम एजुकेट कर रहे हैं, वो उसी का फायदा है. जिस तरह नक्शा वो इंसिडेंट अपने स्टूडेंट का बता रहे थे, तो उन्होंने जो एक इंसिडेंट देखा वो उन्होंने कोट किया. तो हमारा क्योंकि इसी फील्ड में काफी एक्सपीरियंस है, लोगों के तजुर्बात हमसे शेयर होते रहते हैं. तो ये हर मौके पे, हर मोड़ पे जो हेलमेट है, तो इस हेलमेट का पहनना और यकीन कर लें कि उस वक्त एहसास होता है जब खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट. हेलमेट के फायदे बताएं, अवेयरनेस के बारे में बताएं, ट्रैफिक कानून की पाबंदी के बारे में लोगों को बताएं. तो मेरी तमाम नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि आप पांच को ना बताएं, आप चार को भी ना बताएं, आप तीन लोगों को भी ना बताएं. हर आदमी, हर नौजवान सिर्फ एक आगे मैसेज हमारा कन्वे करे, एक मैसेज एक बंदे को कन्वे करे. तो उसको ये रिक्वेस्ट कर दें कि वो आगे एक बंदे को, जिस तरह में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक से एक दराज से दराज डलने वाला जो सिलसिला है वो जब तक इस मुल्क में, इस शहर में नहीं आएगा, उस वक्त तक अवेयरनेस नहीं हो सकती. तो मेरी ये सिंपली जो अपील आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मोटरसाइकिल पे इस बार हेलमेट का इस्तेमाल करें और यहाँ से आपका जो राह है तब भी आप कुछ प्रोग्राम करें, कुछ क्लास हो. हम ये नहीं चाहते कि हमारे लिए ट्रैफिक की अवेयरनेस के लिए जो बहुत ज्यादा टाइम दें, तो बहुत ज्यादा लेक्चर्स दें या अवेयरनेस सिलसिला शुरू करें. मस्ट डेली बेसिस पे सिर्फ एक फिक्र इनको बता दें.